करंट अफेयर्स के दूसरे टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, है ना भाई। देश में पेट्रोल की खपत बहुत है ना। अभी नागरिक बड़े खुश हो गए थे, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए की कमी कर दी, ठीक है ना, 20 रुपए बढ़ा के 2 रुपए कम कर दो, कौन सी बड़ी बात। केंद्र भी मजबूर है, पेट्रोल पर उनको कीमत बढ़ानी ही है। जनता भी मजबूर है, पेट्रोल कितना ही महंगा हो जाए हमें अपनी गाड़ी में डालना ही है, ठीक है। हालांकि इस पेट्रोल से कितने नुकसान हैं, देखिए इकोनॉमिकली नुकसान तो होता ही, हमें महंगा पेट्रोल खरीदने से पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ग्रीन हाउस गैसेस की जो समस्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है ना, एक तो उत्सर्जन पर प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान है पेट्रोल वाहनों का, ठीक है ना, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल है, कार्बन एमिशन भी होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पेट्रोल से हमारी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो, पर्यावरण भी बिगड़े, एक इसका बहुत अच्छा उपाय निकाला गया है कि हम पेट्रोल की जगह पर क्यों ना हम दूसरा विकल्प खोजें जो हमें मक्के और गन्ने से प्राप्त हो जाता है, इथेनॉल। इथेनॉल 100 पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, इन्होंने एक नया फ्यूल, नया ईंधन लॉन्च किया है जिसका नाम है इथेनॉल 100। ये क्लीन है, ग्रीन है, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नुकसान नहीं पहुंचा, तो बहुत कम नुकसान पहुंचाता है और हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी, हमें विदेशों से पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा। हमारे यहाँ खूब होता है मक्का, गन्ना होता है ना, इनसे सिर्फ गुड़ और शक्कर ही नहीं बनती, इनसे इथेनॉल भी बनता है, ठीक है ना। किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों का जो प्रोडक्ट वो बिकेगा, इतने सारे। तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इथेनॉल 100, इसमें क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखिएगा। 92 से 94% तो इथेनॉल है, ठीक है ना, फिर 4 से 5% इसमें मोटर स्प्रिट है, राइट, फिर 1.5% सॉल्वेंट हायर सैचुरेटेड अल्कोहल है। पेट्रोल तो है ही नहीं इसमें, पेट्रोल के ऊपर निर्भरता हमारी खत्म, ठीक है ना। ये 3 चीजें हैं। अब इसके दहन से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है वो बहुत कम होती है, इतनी नहीं होती कि नुकसान पहुंचाए, पेट्रोल से ज्यादा होती है, ठीक है ना। इथेनॉल, अब ये कहां से प्राप्त करेंगे भाई इथेनॉल, क्योंकि आपने देखा 92 से 94% तो इथेनॉल है, फिर हमने उसमें 2-3 चीजें और मिला दी, है ना, कहां से मिलेगा। ये बायोफ्यूल है, ओके, ये मक्का, गन्ना, गेहूं आदि से तैयार होता है। मक्के, गन्ने और गेहूं की फसल से बायोफ्यूल निकल रहा है इथेनॉल। अब सोचिए अब हमारे किसान भाई को कितना लाभ मिलेगा, वो ये प्रोडक्ट में तो उसको कीमत मिलेगी ही, इथेनॉल भी बनेगा। गन्ना तो बहुत वरदान है इस प्रकृति के लिए सब, है ना, मिठास से भरा होता है, आपके खेत में तो गन्ना ही होता है, उस गन्ने से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, गुड़ बनता है, गुड़ से शक्कर बनती है, फिर गुड़ से उसका जो गन्ने का जो वो निकलता है उससे प्लाईवुड बनता है, फर्नीचर बनता है, ठीक है ना, और कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। और मक्का, गन्ना, गेहूं आदि से इथेनॉल तैयार होता है, बायोफ्यूल है, ये इको फ्रेंडली है, ग्रीन है, और क्या चाहिए, ठीक है ना। और इसका जो प्रोडक्शन होता है ये किण्वन प्रक्रिया, फर्मेंटेशन से होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से इथेनॉल बनता है। इसका प्रयोग हम अपने गाड़ियों में करेंगे इथेनॉल 100 का, इसके सेंटर्स भी आ रहे हैं, पंप भी खोले जा रहे हैं इथेनॉल 100 के। पेट्रोल हम विदेशों से खरीदते हैं, कितनी विदेशी मुद्रा लग जाती है हमारी, वो भी बचेगी, ठीक है ना, पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा, कार्बन एमिशन कम से कम होगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, है ना भाई।